नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। साल 2024 बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि लोगों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर की, जो की अब बनकर तैयार है। ऐसे में अब बारी है नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, जो की साल 2024 में 22 जनवरी को होगी। इसके बाद यहाँ विधिवत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा और रामलला के लोग दर्शन पाएंगे। ऐसे में इस पल को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए देश की जानी मानी हस्तियों को इनविटेशन भेजा गया है। इसमें विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ साथ 4000 साधु संतों के अलावा खेल, उद्योग, बॉलीवुड और साहित्य जगत के कई लोग शामिल हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले, कंगना रनौत, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे नाम भी शामिल है। बता दें कि राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजने का दौर भी शुरू हो चुका है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट की तरफ से साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जनों को आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल के साथ साथ उद्योग जगत की कई नामचीन हस्तियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत की भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन धर्म के महागुरु को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जी हां, जैन धर्म गुरु आचार्य लोकेश मुनि को भी मंदिर ट्रस्ट ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मेहमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा उनके ही हाथों से की जाएगी। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उन्हें सभी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। साधु संतों और धर्म गुरुओं के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का नियम तय किए गए हैं। वहीं इन नियमों के अनुसार साधु संतों को अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा। सुरक्षा कारणों से मोबाइल, पर्स, झोली, छत्र, चैम्बर, सिंहासन, निजी पूजा पाठ के ठाकुर और गुरु पादुकाएं लाना इस कार्यक्रम में मनाही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसी दौरान सभी को प्रवेश मिलेगा। ये कार्यक्रम 3 घंटे से अधिक चल सकता है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए और वापस आने के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि एक निमंत्रण पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा और जब पीएम मोदी मंदिर परिसर से बाहर चले जाएंगे तभी विराजमान संत महापुरुष रामलला के दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आखिर आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।